बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम विक्रम था। उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी किताब जिसमें एक खास सी कहानी छुपी हुई थी। वह किताब की सफाई करते समय एक जादुई ताकत का रहस्यमय आभास हुआ। उस किताब में लिखा था कि जंगल में एक जादुई पेड़ है जिसकी पत्तियों में एक खास ताकत बसी है। विक्रम को यह सुनकर लगा कि वह इस ताकत का उपयोग करके अपने गांव को सहारा प्रदान कर सकता है। विक्रम ने अपने गांव के लोगों को सभी एकत्रण में बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और इस यात्रा का साथी बनने के लिए तैयार थे। गांव वाले और विक्रम ने मिलकर जंगल की ओर रुग्नित हुए, जहां वे जादुई पेड़ की तलाश में निकले। रास्ते में हो रही घटनाएं उन्हें रोकने के लिए एक औरत आई जिसका नाम माया था। माया ने कहा, तुम्हारा सफर खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने एक जादुई आइटम दिया जिसने विक्रम को हर मुश्किल से निपटने में मदद की। जंगल के अंदर उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, जैसे कि राक्षसों का सामना करना और जादुई चीजों का सही तरीके से उपयोग करना। हर कदम पर उन्हें माया की सीख मिलती रही और वह बड़े ही साहस से आगे बढ़ते गए। जंगल के बीच में एक बड़ा दरवाजा था जिसका आगे बढ़ना विक्रम के लिए सबसे बड़ा परीक्षण था। दरवाजा खुला और वहां एक अद्वितीय दुनिया का सफर शुरू हो गया। विक्रम और माया ने एक अद्वितीय दुनिया में कई रहस्यों का सामना किया, जहां हर पल एक नया आश्चर्य छुपा हुआ था। वे एक साफ झील के किनारे पहुंचे, जहां एक रूपांतरित राजकुमार सिर्फ एक पुराने वृक्ष से बना हुआ था। राजकुमार ने बताया कि उसे जीवन में एक सत्य से रूपांतरित होने की आवश्यकता है, जो उसने कभी नहीं पहचाना था। विक्रम ने समझाया कि सत्य हमें असली खुशी और संपूर्णता की दिशा में ले जाता है। एक औरत ने उन्हें एक चरणी में ले जाकर कहा, इस चरणी में अपनी बुराइयों को छोड़ दो और नए जीवन का आरंभ करो। विक्रम ने अपनी बुराइयों को छोड़ दिया और एक नए आत्मनिर्भर जीवन का संगीत आरंभ किया। उन्होंने अपने गांव के लोगों को साथ लेकर वापस यात्रा की, लेकिन इस बार उनका गांव समृद्धि और खुशी से भर गया था। वे जादुई ताकत का उपयोग अपने लोगों की सहायता के लिए कर रहे थे। विक्रम की यह कहानी गांव के हर व्यक्ति को सुनाई गई और उन्होंने समझा कि सच्चे और ईमानदारी से जीने में ही असली जादू है। गांव वाले ने समझा कि वे बदल सकते हैं और उन्होंने विक्रम की तरह अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ डा। इस अनूठी कहानी के बाद गांव में एक नया आत्मविश्वास और समृद्धि का माहौल बना और सभी ने साथ मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लिया। विक्रम की कहानी से गांव वालों को एक नया आदर्श मिला और सभी ने मिलकर देखा कि जीवन में सफलता का रहस्य सिर्फ सत्य और सही दिशा में चलने में ही छिपा होता है।